नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। इस समय मैं मौजूद हूं हलका कलायत में और ये गांव है किठाना गांव, जींद से कैथल रोड पर स्थित। ये गांव बड़ा गांव है इस हलके का और करीब 8000 मतदाता हैं इस गांव के। और मेरे साथ इस गांव के बस स्टैंड पे कुछ लोग मौजूद हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं, इस चुनाव को लेकर के thesadaknama.com की टीम है वो हर हलके में जा रही है और हम हर ज़िले से मतदाताओं का मूड क्या है चुनाव को लेकर के वो चर्चा कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो वायदे किए थे उन पर सरकार कितना खरा उतरी, मैं गांव के लोगों से चर्चा करूंगा। इसके साथ अगर चुनावी बात करूं तो यहां से पहले जो जयप्रकाश है वो निर्दलीय विधायक चुने गए थे इस कलायत हलका से और अब जयप्रकाश है उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। इसके साथ यहाँ इस हलके के नेता रामपाल माजरा है वो भी इनेलो छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इन दोनों नेताओं के बारे में लोग क्या सोचते हैं, लोगों की क्या राय है, मैं लोगों से चर्चा करूंगा। किठाना गांव में इस समय मैं मौजूद हूं, मेरे साथ काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस गांव के बस स्टैंड पे मौजूद हैं। सर, क्या नाम है आपका? नरेश कुमार जी। तो आप क्या करते हैं? मेरी शॉप है अपनी। हाँ। किस चीज़ की शॉप है आपकी? मोबाइल की। हाँ। तो क्या रहेगा, विधानसभा चुनाव होंगे, इस सरकार ने जो वायदे किए थे उन पर सरकार कितना खरा उतरी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जैसे धर्मपाल शर्मा थे, यहाँ के विधायक आ गए थे, वो हमारे मंदिर में आए थे, उसकी 40 लाख रुपये दे थे जी। जैसे उसकी 1 रुपया भी नहीं भेजा। हाँ। दूसरी बात रही जयप्रकाश जी की, जयप्रकाश के हाथ में नहीं था कुछ जी। हाँ, भेजेंगे क्या? हाँ जी। तीसरी बात ये है, रामपाल माजरा जी आगे जे किलातल कैसे, ठीक है, किलातल कैसे हैं, दो पहले थे वह दो के दो खागड़, जे को नवा चेहरा होगा, कुछ नई बात होगी जियो कुछ होगा जी। हाँ। तो क्या रहेगा रामपाल माजरा या जयप्रकाश की बात नहीं, इनकी तो देख ली तनवा की उठ जी, कुछ नहीं होना जाना। नया चेहरा होगा जो कर तुषार है अपनी, उसकी टिकट मिल जाती है जे कुछ न कुछ हो सकता है, ठीक है। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नरेश है जी। तो क्या करते हैं आप? मैं फ्रूट की रेडी लगा हूँ। तो क्या माहौल रहेगा, विधानसभा चुनाव होंगे आपके इस हलके की बात करें, इस बार जनता क्या चाह रही है? मेरा तो ऐसा है जी, मैं तो मोदी पे ही राजी हूँ। मोदी भक्त हो आप? हाँ जी। इस मोदी ने कुछ काम किया आपके इस सरकार में जैसे? हाँ, मोदी ने बहुत काम किया जी। हाँ जी। आपके गांव में भी हुए कुछ काम? हाँ जी हुए। हाँ जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है सर? इस्तीफा तो, राजकुमार जी। तो राजकुमार जी क्या करते हैं आप? बस जमींदार है, खेती बाड़ी। तो कैसी हालत है किसानों की बात करें तो? बढ़िया है जी। नहीं बढ़िया है, बढ़िया है भाई। कुछ काम हुआ इस सरकार में? बहुत कुछ होया, काम क्यों नहीं होया, बढ़िया काम हुआ। अच्छा, आपके विधायक जयप्रकाश है, उन्होंने कुछ काम करवाया आपके इस इलाके में? विधायक विधुक ने तो कराया नहीं कुछ भी, यू है सिर्फ सरकार की उसका खट्टर खट्टर की उसका है। तो बीजेपी सरकार ने करा जो कुछ करा, विधायक ने नहीं करा कुछ भी, गांव में नहीं बढ़कर देखा। इस बार क्या रहेगा, जयप्रकाश की बात करें, रामपाल माजरा की बात करें तो? ना, बीजेपी की बात करो सर। बीजेपी हम तो नहीं सोचा, मैं तुषार ने या कमलेश राणा ने टिकट मिल जाए तो सबसे बढ़िया तो यू है काम। तुषार ने तो मिल जाए, छोरा नया नेता है, नया चेहरा है, नई बात है, नई कहानी है, बहुत बढ़िया है। मेरा नाम है मल्ले। तो आप भी चुनाव लड़ने का मूड आपका? हाँ, मैंने टिकट दवा दे भाई। क्या नाम है? जो हो 5 करोड़ रुपये दे देंगे, टिकट दवा दो। कौन सी पार्टी की? चाहे उस्ताद दवा दो, चाहे कुर्सी की दवा दो, कोई सी पार्टी की दवा दो। 5 करोड़ रुपए दे करके आप विकास करवाएंगे इस हलके का? ना, अपना करेंगे, कमाल की बात है। और जो ये नहीं करते, मामे क्यों रीत बिगाड़ेंगे? जेपी ने कुछ काम करवाया यहाँ? बहुत काम करवा, छोरा दाकड़ है। राजमल है जी। तो कुछ काम हुआ आपके इस इलाके में? बस होना आना कुछ नहीं, आए गए पीटीए हैं। ओम प्रकाश है जी। तो आपने कई राज देखे हैं, राज राज में कितना फर्क मानते हैं? जिसके कहो जी उसके दे देंगे जी। बस राज राज में कितना फर्क? ना माम मारा तो ये मोदी ठीक है। करमवीर। तो कुछ हुआ है इस सरकार में काम आपके गांव में? गांव में जी बस ये लड़के तो भर्ती हुए हैं, बाकी और तो कोई खास विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ। क्या है जनता का मूड? आपने पहले निर्दलीय विधायक को चुना, इस बार मूड क्या है? पिछली बार निर्दलीय इसीलिए चुना गया क्योंकि नया चेहरा या पुराना चेहरा कोई खास आदमी नहीं था। अब की बार भी जिस तरह जेपी आया है
इस तरह ही रामपाल माजरा की टक्कर में जेपी ही ज़्यादा भारी पड़ेगा, बाकी अगर नया चेहरा कोई आ गया तो फिर ये दोनों फैल हो जाएंगे। रामपाल माजरा जी इनेलो में थे, अब बीजेपी में चले गए हैं, क्या सरकार के साथ जाना चाहते हैं या टिकट की मंशा क्या क्या रहेगा इसे लेकर? इसमें सरकार के आदमी के जरिए देखेंगे जी। सरकार के जरिए तो ये रामपाल माजरा जैसे पिछली बार भी ठीक नहीं था, अब की बार भी ठीक नहीं है। अच्छा। वही बात है जिस तरह पिछली बार कहा था इसका सरिया निकाल देंगे, अब की बार भी इसका सरिया ही निकलेगा। तो इनेलो का क्या रहेगा अब इसी आपके इस इलाके में, इनेलो का कुछ है? इनेलो का यहाँ गांव में भारी पल रहा है। तो कितने के वोट इनेलो को जाएंगे आपके इस इलाके से, इस बात करें तो आपके गांव की? मेरे गांव की जी यहाँ से कम 3-3.5 हज़ार बीस बजे। एक तरफा आप कह रहे हो? एक तरफा तो नहीं है, ज़्यादा पल रहा इसी का है। सुरेश सिंह जी, तो क्या मूड है जनता का? पहले आपने निर्दलीय विधायक चुना, इस बार क्या है लग रहा है विधानसभा चुनाव में? इस टाइम टक्कर है जी, वैसे रामपाल माजरा भारी पड़ेगा। अच्छा, रामपाल माजरा इनेलो से या बीजेपी से? बीजेपी से, बीजेपी से आया तो जयप्रकाश का क्या रहेगा? उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, रामपाल माजरा जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है, दोनों नेताओं का क्या रहेगा? जनता कैसे कैसे आंकेगी इनको? रामपाल माजरा थोड़ा सच्चा और थोड़ा झूठा उसको देखेगी, थोड़ा सच्चा और जेपी झूठा है। भाई साहब पूरे थे तो बीजेपी थे कह तो यार नरसिंह डांडे की बहू आज वहा बन सके है, मेरी बात सुन और कह पुराना उसका भी कुछ तुक्स है जी। अच्छा जेपी जापी का कोई रोल नहीं रहा है, जेपी का कुछ नहीं है, कोई रोल नीचे कोई कुछ कहीं जाओ। पिछली बार तो जेपी को आपने जिताया यहाँ से निर्दलीय, वो तो जेपी का आया उसकी झूठ श्यामी आएगी, उसका कोई वोट नहीं जिंदा। बीजेपी से डांडे की बहुत तो टिकट देते हैं उसी को हराना नहीं, वो 100-110% रामपाल माजरा को बीजेपी की टिकट मिलगी तो रामपाल माजरा को मिल कीजिए, बस उसका भी ऐसा सौदा है। दलवीर है जी, तो कुछ हुआ है काम आपके इस गांव में? काम बतेरे करे हैं जी, मैं मंडरे है जमा। क्या रहेगा विधानसभा चुनाव में? मैं तो जीत कहूँ जी इसकी, पक्की जमा, बीजेपी की जीत। जेपी जेपी कांग्रेस की बात करें, इनेलो की बात करें, जननायक जनता पार्टी ना जननायक कांग्रेस का नहीं नाम एक भी उड़ा है, कांग्रेस की तो जमान जब्त करावांगे जड़ला कार्ड से। पिछली बार आपने जेपी को निर्दलीय विधायक बना दिया, इस बार वो कांग्रेस में चले? कांग्रेस पिछली बार तो हम नहीं बनाया है, कुरुक्षेत्र वाला सैनी इसे के वोट देवांगे हम तो। हाँ बस बिंद्र है, बोले आपके इस इलाके में कुछ हुआ है काम? नहीं अभी तो इस जेपी ने कोई काम नहीं किया है, अब जो मातर साहब है इसमें शामिल हुए हैं भाजपा में, तो एक नंबर का नेता एक नंबर का लीडर है, बढ़िया मंत्री बनेगा और जीत की बिल्कुल 200% गारंटी। पल माजरा जी को क्या लग रहा था इनेलो में वो जीत नहीं पा रहे थे इस बार यहाँ से? नहीं वो तो होता है जो पार्टी में है जैसा जो लहर चलती है उसी हिसाब से होता है, तो अब है जैसे भाजपा की लहर चल रही है तो माजरा साहब है ने इसमें पूर्ण बहुमत से जीतेंगे और बढ़िया एक मंत्री के तौर पर उभर के आएंगे। अच्छा, तो हाँ ठीक है तो उन्हें पक्की है, तो आप ये मान के चलो पहले है ने वो पाई से रहे हैं सरकार में रहे हैं, तो अब किलायत में है ने किलायत में वो पहली बार अभी उस सरकार में रहेंगे, तो अब मान के चलो अभी मतलब किलायत का पूर्ण भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। मन नहीं मेरा भाई है किसको दो कोई वोट आप इसकी भाजपा की बनेगा कुछ टिकट मिलती हो? किसानों के कुछ काम हुए कुछ आपके गांव में? कुछ का तो किसो नहीं मारा का दे नहीं किसी ने किस कर मारे बदो जयप्रकाश का क्या रहेगा इस बार? किछ नहीं रहा किछ कर रामपाल माजरा जी किछ भी नहीं कर लाई रहा कहने काम करे कभी नहीं करया वो तो झूठ के राजनीति करे सदा ठीक है। जगदीश कुंडू है जी। हाँ जी कुंडू साहब कुछ हुआ है काम आपके इस इलाके में? बिल्कुल हुआ जी, पूरा विकास होया अपने एरिया में और बीजेपी को दोबारा फिर लाएंगे, और मैं तो मेरी ये गुजारिश है कि ना तो रामपाल को और ना जयप्रकाश को एक नया चेहरा है बिल्कुल युवा पढ़ा लिखा डॉक्टर सुखदेव कुंडू जिसकी छवि बहुत अच्छी है और वो आजकल भी इन्वायरमेंट पॉल्यूशन के ऐसे अधिकारी रहे। नेताओं को छोड़ के बीजेपी या दूसरे को दे दे किसी भी दे दे नए को दे दे और वो 100% जीतेगा,
डॉक्टर सुखदेव कुंडू की मैं वैसे गुजारिश करूँ युवा के लिए, युवा सभी युवाओं की यही पहचान है कि डॉक्टर सुखदेव कुंडू को ही टिकट दी जाए। हाँ जी जोगिंदर जी, तो युवाओं पे सरकार कितना खरा उतरी, कुछ काम हुआ? बढ़िया सरकार है हाँ, और जो चौधरी राम पलमाद रहो यहाँ से विजय होंगे जो अभी बीजेपी में आए हैं। ठीक है जी, ये बोल लगा जी। तो ये थे मेरे साथ इस काम की शायद दूंगा, तो क्या ने चिंता करे है, सारा गांव की शायद दूंगा, सारे गांव की, सारा गांव की जुकर कहेंगे न्यू होगी। हाँ टिकट बीजेपी की देनी है जवाहरों से जिसको जमा काम हुआ है आपके इस इलाके में ना, जमा ना हो से ना, जहाँ जमा ना हो बस काम भी नहीं हुए उसके बावजूद भी एक उसके बावजूद भी उसके जाने कब दिखाओगे ये लाइव चल रहा है। ठीक है बीजेपी का सारा बीजेपी दुष्यंत नहीं कुछ नहीं हुआ काम नहीं हुआ। थैंक यू। तो ये थे मेरे साथ इस किठाना गांव के लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय बेबाकी के साथ रखी। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए क्योंकि चुनाव के इस मौसम में दसड़कनामा.com की टीम है वो हर हलके में जा रही है और हम मतदाताओं से आपको रूबरू करवा रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप Facebook या Twitter पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।